बच्चों तो आज हम पढ़ेंगे मोलैरिटी। ये हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है जिसमें हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे थे सॉल्यूशन की। तो मोलैरिटी भी एक तरीका है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन को। ठीक है, मोलैरिटी डिफाइन, पहली बात तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। ठीक है, और इसको डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और 1 लीटर को हम 1 सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, ये आपको पता होगा, है ना। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, ऊपर तो आएगा हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब 1 लीटर हमारे पास टोटल सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। इसका मतलब ये क्या है, मोल्स बाय वॉल्यूम, है ना। मोल्स बाय वॉल्यूम का हम बोलते हैं मोलैरिटी। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें दिया गया है 0.25 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर बोल लो या फिर 0.25 m बोल लो, जो कि मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये एक सोल्यूशन है NaOH का, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 0.25 मोल्स किसके हैं, NaOH के, किसके अंदर, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, है ना। तो ये एक एग्जांपल है, इसमें हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन मतलब वाटर आ जाएगा दूसरा कंपोनेंट, पहला तो NaOH दिया गया है, और दो ही कंपोनेंट की बात करते हैं हम अपने सोल्यूशन चैप्टर में। तो इसमें दिया गया है 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। ठीक है, तो मोल्स निकाल लेंगे क्योंकि हमें मोलैरिटी के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर न्यूमरेटर में रखने के लिए। तो इसमें हमारा सोल्यूट क्या है, NaOH हमारा सोल्यूट है ना, तो इसके मोल्स निकालेंगे मास अपॉन का मोलर मास। मास कितना हो गया इसका 5, और मोलर मास हमारा सोडियम का होता है और प्लस ऑक्सीजन का प्लस हाइड्रोजन का, तो 23 + 16 + 1 ये हमारा आ जाएगा 40। आप लोग खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, इसको मैं ही करा दूँगी, मतलब मैं भी करा सकती हूँ, पर आप लोग खुद से करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे आप लोग के मोल्स आ गए। फिर हमें वॉल्यूम निकालना है क्योंकि दूसरी चीज़ क्या है, डिनोमिनेटर पर आ जाना चाहिए। तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए हमारा, लीटर में होना चाहिए, इन लीटर। तो हमें कितना दिया गया, 450 ml, तो इसका मतलब हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको लीटर में चेंज करने के लिए। हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, लीटर में चेंज हो गया, आप क्या न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर कर दो, ये आ गई हमारी मोलैरिटी। और फिर ये कुछ और भी बोल रहा था क्या, डेसीमीटर वगैरह, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मोल पर लीटर मोल पर डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे अपनी 7th प्रॉपर्टी जो कि है हमारी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है, पहली बात तो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, एंड इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। वहाँ क्या था, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे किलोग्राम है, मतलब ये मास बाई मास है, वो मास बाई वॉल्यूम था, है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूमरेटर में सॉल्यूट के मोल्स उसी की तरह, पर नीचे यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, उसमें क्या आ रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। यहाँ आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एग्जांपल, अगर हमको 1 मोल पर केजी दिया गया है, या फिर हम इसको 1 मोलैलिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोल पर केजी क्या होता है, मोलैलिटी, नीचे वॉल्यूम आ जाए तो समझ आना मोलैलिटी दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो KCl है, केस मतलब इतने हमें सोल्यूशन में KCl दिया गया है, इसका मतलब है 1 मोल KCl इज़ डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ गया, ये मतलब इसको ऊपर मोल्स आएंगे सोल्यूट के, नीचे आएगा हमारा सॉल्वेंट इन किलोग्राम। हर मेथड कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाला सॉल्यूशन की उसकी खुद की एक मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ठीक है ना। ये तो पता ही है, सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं, मास परसेंटेज, PPM, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये चार चीज़ें हैं ना, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आती है एग्ज़ाम में। तो मास परसेंटेज, PPM और मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती ये चारों चीज़ें, जबकि हमारी जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। क्यों टेम्परेचर का फंक्शन क्यों होती है, क्योंकि मोलैरिटी में क्या आता है, वॉल्यूम, नीचे हमारा वॉल्यूम आता है ना, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम किसी भी चीज़ का कम होगा ना, जैसे पानी उबाल रहे हैं हम, ठीक है, हमने गैस बहुत ज़्यादा कर दी, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा नीचे, क्योंकि वॉल्यूम क्या आता है डिनोमिनेटर में, हमारा वॉल्यूम कम हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़, ठीक है। तो इसका मतलब, लेकिन क्या मोलैलिटी डिपेंड करती है क्या, नहीं, क्योंकि मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मोलैलिटी में क्या यूज़ हो रहा है, मास, मास टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है।
तो इसलिए ये नहीं होता। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें हमको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड जो C3H6 होता है इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, है ना। तो मोलैलिटी के लिए पहले फॉर्मूला याद करो, सबसे ऊपर क्या आता है मोल्स किसके, सॉल्यूट के, नीचे क्या आता है मास किसका, सॉल्वेंट का, वो भी इन केजी। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमें न्यूमरेटर के लिए, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए मास अपॉन मोलर मास करना पड़ेगा। मास दिया गया हमारा 2.5 ग्राम, मोलर मास के लिए क्या करेंगे, कार्बन का क्या 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2 60, ठीक है, मोल्स आ गए हमारे। नीचे क्या आता है हमारा सॉल्वेंट का मास इन केजी। सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है, मतलब बेंजीन। बेंजीन का मास कितने में दिया गया 75 ग्राम। हम एक और चीज़ याद रखनी थी इन केजी, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये आ गया हमारा इन केजी। दोनों को डिवाइड कर दिया हमारा, यह आ गया हमारा मोल पर केजी। ये इंडेक्स क्वेश्चन है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखा दूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।